हाय गाइस, आज हम लेमन की सीडलिंग करेंगे। मेरे हाथ में एक लेमन है, नींबू, इसको हम बीज से कट नहीं करेंगे। इसके साइड से हम छिलका हटाकर फिर बीज निकालेंगे, बीज से इसको कट नहीं करेंगे। उससे बीज से कट करने में बीज भी कट जाते हैं। इन सारे सीड को हम वॉश कर लेंगे सादे पानी से। ये मैंने पहले से भी सुखा के सीड्स रखे हुए हैं लेमन के, और ये फ्रेश हैं। अब हम इनका वाटर टेस्ट करेंगे हल्के नीम गर्म पानी में। थोड़ी सी हल्दी डालकर इन तमाम बीजों को उसमें डाल देंगे 24 घंटों के लिए। चौबीस घंटे बाद हमने सारी नींबू की बीजें भिगा दी थी। अब हम उनको निकालेंगे और एग शेल में सीडलिंग करेंगे। इसके लिए हमें दो एग शेल चाहिए। उसमें हम होल कर लेंगे नीचे किसी भी छुरी से, नुकीली चीज़ से। फिर इसमें वर्मी कंपोज और कोको पीट का मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा डाल के पहले हम इसको फिल करेंगे, उसके बाद दोबारा डालेंगे। जो बीजें ऊपर तैर रही हैं उसको हम चमचे की मदद से निकाल कर अलग कर लेंगे, क्योंकि ये उगने में प्रॉब्लम करती हैं, तो हम इनको नहीं उगाएंगे। हम सिर्फ वो बीजें उगाएंगे जो नीचे पानी के नीचे की तह में बैठ गई हैं, उनका जर्मिनेशन रेट सबसे बेस्ट होता है। एक शेल में हमने ड्रेनेज होल कर लिया था। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोको पेट 50-50% डालेंगे। Thank you.
अब हम इसकी सीडलिंग कर लेंगे। जिस पानी में हमने बीज भिगाए थे वो पानी भी हम इन्हीं दोनों अंडों में डाल देंगे। दो हफ्ते बाद का ये रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है हमारा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पौधा है हमारा नींबू का। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।